यस मैम। ओके कल आपां विरासते खालसा पढ़ रहे सी, ठीक है। सो असी पांच गैलरीज तक किया सी। सो मैं थोनों क्या सीगा कि पहला पांच गैलरीज विचों दी या जेड़ा आपां पहला किया है कि कदों बनना शुरू होया सी, किन्ने बनाया सी, ठीक है, एदी एंट्री एदे किन्ने भाग ने, कौन दसेगा? कि विरासते खालसा है किथे? आनंदपुर साहब दे विच, ठीक है। ते जदों खालसा पंथ की त्रै शताब्दी मतलब 300 साल होए सन 1999 विच, उदों सरकार ने इहनूं बणाउण दा एक रस्मी ऐलान किया सी, ठीक है। फिर यह 2011 विच बन के तैयार होया ते फिर यह लोकां लई खोल दिता गया, ठीक है। दैन इहदा मूल उद्देश दस्सिया होया है, इहनूं बणाउण दा मोटिव की है, फिर इन्हां दे जदों आपां एंट्री करदे हाँ उहदे बारे दस्सिया होया है। शिवालिक दीआं पहाड़ियां विच स्थित है, ठीक है। इहनूं सवेरे 8 बजे तो लैके शाम के 8 बजे तक ही खोलिया जाता है, ठीक है। सोमवार को यह बंद रहता है, तो बाकी जिस दिन राष्ट्रीय छुट्टी हो उस दिन यह बंद रहता है, ठीक है। ये तीन भाग से, पछमी पूर्वी पछमी। पहले ये भाग के पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी स्रोता भवन से। दैन दूसरे भाग में 7 एकड़ पानी है, कैफेटेरिया है। तीसरे भाग के है इमारतां केड़ियां केड़ियां, किश्ती इमारत, ढोल इमारत, पंज फुल पत्ती इमारत, ठीक है। तो उस तो बाद विच इहदियां गैलरीज शुरू होंदियां सी। तुहानूं मैं कल दस्सिया सी ना इहदियां 14 गैलरियां ने। सो पहली गैलरी विच की सी? एनी वन? सैवंथ ए? यस कार्तिक? यस मैम। मैम विरासत खालसा की पहली गैलरी किश्ती नुमा इमारत विच स्थित सीगी, जिस विच पंजाब दे वातावरण बारे दस्या गया सी। उत्थे लोगां नू चिड़िया दियां वाजां सुनाई देंदियां सन ते पंजाब दे होर वक वक चीजां दिखाई जांदियां सन, ठीक है, वेरी गुड। जिवें पंजाब दे धार्मिक स्थान। हाँ गुड, राइट। पहली गैलरी विच ना पंजाबी सभ्याचार नू पेश कीता होया सी, ठीक है। पंजाबी कल्चर नू उन्हां ने दित्ता सी। ते जदों आपां इहदी छत वल देखदे हां ते कच्च वर्गी ते थल्लों दे नीचों दे पानी नजर आंदा सी। ओके गुड कार्तिक, नेक्स्ट। दूसरी गैलरी गौरेश? यस मैम। दूसरी गैलरी च वर्दियां ही लोकां नू सुनन योग यंत्र दित्ते जांदे सन, जिन्हां दी मदद नाल उहनां नू जानकारी मिलदी सी। ओह इहनां यंत्रां नू किसी भी गैलरी विच ले जा के उस तों जानकारी लै सकदे सन। इस गैलरी विच पंजाब दे महान कलाकारां सुरजीत पात्र, कबीर बेदी दीआं आवाज़ां वी कन्नी पैंदियां सन, ते इस विच 15वीं सदी दे पंजाबियां दे बारे दस्या गया है। इस दे राही सानू लोधी वंश, अंध विश्वास ते जाति प्रथा दे बारे पता लगदा है। ठीक है, वेरी गुड, राइट। के इहदे विच सानू सुणे नूं योग यंत्र दिंदे आ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਦੀ, ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਸ਼ੁਭ, ਥਰਡ ਗੈਲਰੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2462 ਜਗਦੇ ਮੋਤੀ ਨੁਮਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2462 ਜਗਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੇਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੌਥੀ ਗੈਲਰੀ। ਚੌਥੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਵੀਨ? ਮੈਮ, ਚੌਥੀ ਗੈਲਰੀ ਪੰਜ ਫੁੱਲਪੱਤੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੈਲਰੀ। ਜੈਸਮੀਤ? ਯੈਸ ਮੈਮ,
पंजवीं गैलरी विच की है? यस मैम, पंजवीं गैलरी विच श्री गुरु नानक देव जी बारे दसिया होया है, भाई लहना जी नु गुरगद्दी सौंपन बारे दसिया होया है। ठीक है, गुरु गोबिंद नानक देव जी दे, ठीक है कि उन्होंने खेती की करतारपुर जाके, ठीक है फिर अचल बटाले दिया पाकपटन दिया यात्रावां, राइट। सो ये पांच गैलरीज, ठीक है। नेक्स्ट है छेवीं गैलरी, अगो दी बेटा होर ध्यान ना सुनना है, ठीक है। छेवीं गैलरी दे विच जो दाखिल होने हाँ ठीक है, सो छेवीं गैलरी विच दाखिल हो के श्री गुरु अंगद देव जी सिखां दे दूसरे गुरु द्वारा गुरमुखी लिपि दे सुधार ते प्रचार बाणी रचना अते सिखी प्रचार बारे चित्रां दे हवाले नाल ज्ञान चवादा हुंदा है। इसे गैलरी चो तीसरे गुरु अमरदास, स्पैलिंग सही कर लो, कईआं दे बुक च गलत लिखे होणगे, अमरदास जी द्वारा 22 मंजियां दी स्थापना, लंगर प्रथा दी रवायत, इसरी दी दशा च सुधार करन लई यतन, श्री गोइंदवाल साहिब विखे बौली दा निर्माण, अंध विश्वास ते जात पात दे विरोध आदि बारे कीमती ज्ञान इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। छेवीं गैलरी च की है, श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा किस तरह उन्होंने गुरमुखी का प्रचार किया, ठीक है, क्योंकि जिहड़ी साडी पंजाबी भाषा ना इहदी लिपि है गुरमुखी, ठीक है, उहदे विच होर ज्यादा सुधार किया गया सीगा। ओके, फिर लंगर प्रथा दी रवायत बारे जो श्री गुरु अमरदास जी सिखां दे तीसरे गुरु सन, उन्होंने 22 मंजियां दी स्थापना कीती सी, ठीक है। 22 मंजियां मतलब कि यह एक ना धार्मिक केंद्र सन अलग अलग, ठीक है। श्री गुरु नानक देव जी तो यह रवायत जिहड़ी सी शुरू हुई सी, तो श्री गुरु अमरदास जी जो कि सिखां दे तीसरे गुरु सन, उन्होंने अगों दी 22 इलाके, ठीक है, ਉਹ 22 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਮੰਜਿਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਛੇਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੱਤਵੀਂ ਗੈਲਰੀ, तीसरे गुरु तक हो गया, ठीक है। हुण सतवीं गैलरी विच चौथे गुरु जी श्री गुरु रामदास जी दे बारे दस्या होया है, ठीक है। ते उन्होंने किस तरह अमृत सरोवर का निर्माण किया, कीर्तन परंपरा ते बाणी रचना आदि बारे दर्शक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। सतवीं गैलरी विच चौथे गुरु जी बारे दस्या होया है, छेवीं विच दूसरे ते तीसरे गुरु जी बारे, इत्थे चौथे गुरु जी बारे श्री गुरु रामदास जी। ये ही थानू ये भी पता लगी जाए केड़े केड़े गुरु सन, ठीक है, पहले गुरु दूसरे गुरु केड़े सन, राइट। हुण श्री गुरु रामदास जी के नाल संबंधित है, उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण किया, कीर्तन परंपरा बाणी रचना ये बारे जानकारी मिलती है। नैक्सट है अठवीं गैलरी, अठवीं गैलरी दे विच इहदे विच गुरु बारे नहीं दस्या होया, ठीक है। अठवीं गैलरी विच दरबार साहिब की उसारी, अमृतसर विच जिहड़ा हरिमंदर साहब है, गोल्डन टैंपल है, उहदी उसारी, उहदी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। श्री आदि ग्रंथ का संकलन दरबार साहिब विखे बाबा बुढ़ा जी द्वारा, श्री आदि ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश आदि महत्वपूर्ण वेरवे श्री गुरु अर्जन देव जी के नाल संबंधित अठवीं गैलरी चो देखण नूं मिलते हैं, ठीक है। कि किस तरह इहदे विच दरबार साहिब दी उसारी का काम होया, बाबा बुढ़ा साहिब जी, तुसीं 6 विच इह चैप्टर भी पढ़िया होएगा, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, इन्हां नूं पहले ग्रंथी थापिया गया सीगा, ठीक है, इन्हां बारे दस्या होया है, ठीक है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੌਵੀਂ ਗੈਲਰੀ,
नौवीं गैलरी विच हुण सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी बारे जानकारी है। विरासत ए खालसा की नौवीं गैलरी श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत की प्रतीक तत्ती तवी नूं दर्शाउंदी है, क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी ते बैठ के शहीदी प्राप्त की थी। ठीक है, यह गैलरी किसी भी इमारत के अंदर नहीं, सगो इस दा निर्माण बाहर छत ते खुली टुकवी थां ते कीता गया है। मतलब यह किसी छत के थले नहीं है, वाली गैलरी खुले डुले असमान के थले है। इत्थे तवी दे कोल खड़ी किश्ती इमारत की छत उपर रोके पानी चो किला आनंदगढ़ साहब की झलक साफ वेखी जा सकती है। ठीक है, सो नौवीं गैलरी विच की है, पंजवें गुरु बारे जानकारी है कि उन्होंने किदा अपनी शहीदी दिती सीगी। ठीक है, तत्ती तवी ते बैठ के, तो ये वाली गैलरी किसी छत के थले नहीं है, खुले डुले एरिए दे विच है। ओके, ते नाल ही इहदे विच उहदी जिहड़ा पानी है बाहर उहदे विच उहदी रिफलैक्शन पैंदी है आनंदगढ़ साहिब दी। ठीक है, दैन दसवीं गैलरी, दसवीं गैलरी का निर्माण वड्डियां पौड़ियां कोल कीता गया है, जिथे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा छेवें गुरु बारे, ठीक है, हुण इत्थे छेवें गुरु बारे दस्सिया होया है। छेवें गुरु कौन सन? श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, उन्हां द्वारा धारण कीतियां दो तलवारां, तलवारां दे नाम पूछे जा सकते ने, अंडरलाइन कर लो इहनूं, मीरी अते पीरी। ठीक है, श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने यह तलवारां दित्तियां सन, मीरी अते पीरी। मीरी का अर्थ है कि राजसी शक्ति, के जो आपां राज चलाना है उहदे विच किहड़ी उह जो शक्ति है उहदे बारे। पीरी मतलब धार्मिक, के धर्म दे नाम ते अगर कोई अन्याय करदा है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੋ ਲੰਮੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗਿਆਰਵੀਂ ਗੈਲਰੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ अर्थात दूज दे चांदिया कलगी नुमा इमारत च स्थापित इमारत का नाम है। ग्यारहवीं गैलरी विच श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी वल्लों अकाल तख्त साहिब का निर्माण, कल्याणकारी कारज ते लड़ाइया बारे महत्वपूर्ण वेरवे वेखण सुनण नूं मिलदे हन। इस गैलरी विच कुछ जानकारी गुरु हर राय जी ते गुरु हर कृष्ण साहिब जी दे नाल भी संबंधित है। ठीक है, छेवें सत्तवें ते अठवें गुरु बारे जानकारी थानू ग्यारहवीं गैलरी विच्चों मिलेगी। ग्यारहवीं गैलरी, ठीक है, छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ठीक है, उन्होंने अकाल तख्त साहिब का निर्माण किया, कल्याणकारी मतलब लोगों की भलाई लिए काम किए उन्हां बारे, ते श्री गुरु हर राय जी बारे ते हर कृष्ण जी बारे भी जानकारी मिलती है। सत्तवें ते अठवें गुरु बारे जानकारी मिलती है ग्यारहवीं गैलरी विच। ठीक है जी, नेक्स्ट बारहवीं गैलरी शुरू हो गई। बारहवीं गैलरी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं समर्पित की गई है। ठीक है, दस गुरु सारी गैलरी विच, दसां गुरुआं बारे दस्या होया है बारहवीं विच, क्योंकि अठ तक हो गए ते बारहवीं विच हुण नौवें ते दसवें गुरु, इन्हां बारे जानकारी मिलती है। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्हां दे नाल संबंधित है। इस गैलरी चो श्री गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन ते कुर्बानी संबंधी ज्ञान मिलता है, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी धर्म की खातर अपनी जान दित्ती सी ना कश्मीरी पंडितां दी पुकार ते। ठीक है, उन्हां संबंधी इत्थे ही श्री गुरु गोबिंद साहिब जी दे गुरगद्दी ते विराजमान होण, क्योंकि जदों श्री गुरु तेग बहादुर जी पिता जी सन गुरु गोबिंद सिंह जी दे, उन्हां नूं शहीद कीता गया सी। ठीक है, ते गुरगद्दी फिर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिली सी, उस बारे जानकारी मिलती है। जुलम खिलाफ लड़ाइयां करन ते निग्गर व्यक्तित्व दे वख-वख पक्खां ते चानणा पाया गया है। निग्गर व्यक्तित्व मतलब इन्हां दी परसनैलिटी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी परसनैलिटी ते चानणा पाया गया है कि इन्हां दी परसनैलिटी किस तरह की सी। ठीक है, ये सारे जिहड़ियां चीज़ां ने ना जो भी पहले गुरु तो लैके दसवें गुरु तक उन्होंने किया है, वह कंध चित्रा राही किया है।
मतलब दीवारां उत्ते अलग अलग तरह दीआं पिक्चर्स बनिया होईआं ने, ठीक है, उन्हां राही सारी जानकारी मिल सकती है, राइट। दैन 13वीं गैलरी, सेकेंड लास्ट गैलरी, ठीक है, टोटल 14 ने। हुण 13वीं गैलरी विचों दी की मिलता है सानूं, इहदे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर साहिब विखे 13 अप्रैल 1699 ईस्वी नूं खालसा पंथ की स्थापना करन संबंधी आकर्षक चाकी तुसीं 13वीं गैलरी विचों देख सकते हो, ठीक है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी वाला आपां ऐसे कीता सी उहदे विच तुहानूं दस्सिया सी खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 नूं आनंदपुर साहिब दे विखे, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना हुई सी, उह किहने कीती सी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, क्लियर है। उहदे बारे तुहानूं एक झाकी दिखाई जा सकती है, मतलब एग्जीबिशन टाइप, राइट। दैन 14वीं गैलरी, ठीक है, 14वीं गैलरी दर्शकों नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, क्योंकि आपां की करदे हाँ, पहले 10 गुरु उन्हां नूं आपां गुरु मनते हाँ, ठीक है, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने की कहा सीगा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं भी आपां गुरु मनना है। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सदीवी संदेश तो जाणू करवांदा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच केड़े केड़े सानूं संदेश दित्ते हुए हन। इत्थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन संघर्ष, वक वक युद्धां, सरबंस दी कुर्बानी ते कौम नूं श्री गुरु साहिब जी दे लड़ लाउण वाले वेरवे वक वक ढंगां राहीं उपलब्ध करवाए जांदे हन, ठीक है। जदों 14वीं गैलरी विच पहुंचदे उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे संदेश बारे, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किदां अपना सरबंस वारिया, पूरा अपना खानदान वार दिता सी धर्म की खातर, उहदे बारे तुहानूं हल्के हल्के वेरवे देखण नूं मिलदे हन। 14 गैलरीज हो गईआं, 14 गैलरिया नूं पार करन तों बाद विच दर्शक केवल 2 घंटे लई सारा कुछ उन्हां नूं देखण नूं मिलदा है, ठीक है। 14 गैलरीज जदों हो गईआं, उस तों बाद विच जिन्ने भी दर्शक ने उह की करदे ने, सुनन वाले यंत्र जमा करवा के दर्शक आखिरी गैलरी चों बाहर आ जांदे ने, ठीक है, एग्जिट कर जांदे ने, जो उन्हां नूं सुनन योग यंत्र मिले सन दूसरी गैलरी विच, ठीक है, उह 14वीं गैलरी विच उहदी आ के जमा करवा दिंदे ने, वापस दे दिंदे ने। सरकार वालों विरासते खालसा के रख रखा ते विकास लई वित्तीय सहायता दिती जा रही है, वित्तीय मतलब फाइनैंशियल हैल्प सरकार करती है, क्योंकि देखो हुण इन्नी वड्डी इमारत है, इन्ना वड्डा भवन है, हुण इहनूं मेनटेन भी तो करना है ना, मेनटेन करन लई हुण फाइनैंशियली तौर पर कौन हैल्प करता है, सरकार करती है, ठीक है। विरासते खालसा के अंदर भी एक दान केंद्र खुलिया होया, दान मतलब चैरिटी, अगर कोई मान लो परसन है कोई अपनी इच्छा के अनुसार चैरिटी देना चाहता है तो एक दान पेटी बनी हुई है, चैरिटी बॉक्स, ओदे विच अपनी इच्छा अनुसार वह जिन्ना चाहे दान उत्थे दे सकता है, जिथे दर्शक स्वै इच्छा ते समर्था अनुसार दान कर दें, स्वै इच्छा मतलब खुद की मर्जी के नाल जिनी उन्होंने समर्था हो, जिनी उन्होंने कैपेबिलिटी हो। धर्म इतिहास से सभ्याचार के इस अजूबे लिए दूर बैठे दानी सज्जन इंटरनेट राही भी दान के पात्र बन सकते हैं, जड़े लोग दूर बैठे ने विदेशों च बैठे ने वो बाय इंटरनेट भी दान कर सकते हैं। दान एकत्रीकरण केंद्र तो दर्शक विरासत खालसा संबंधी मुफ्त च साहित्य भी प्राप्त कर सकते हैं, मुफ्त विच मतलब जिन्ना भी दान इकट्ठा होंदा है चैरिटी होंदी है उहदे नाल की होंदा है दर्शकां नूं साहित्य लिटरेचर बुक्स वगैरह भी उन्हां नूं मिल सकदियां ने। विरासत खालसा दे अंदर सफाई अते अनुशासन की झलक प्रतख नजर आउंदी है, हुण उत्थे की है सफाई बहुत ज्यादा कीती हुई है, साफ सुथरा है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, क्योंकि उत्थे दर्शकां नूं कोई भी शोर शराबा नहीं करन दित्ता जांदा, ना ही उन्हां नूं कोई फोटो वगैरह खिंचन दित्ती जांदी है। सुरक्षा कर्मचारियों ते नीले पीले रंगा दे बाणियां च सजे कुशल अगवाई कारां वल्लों दर्शकां नूं लोड़ींदी जानकारी सहायता ते अगवाई दित्ती जांदी है। इहनूं अंडरलाइन कर लो, इह पुछिआ जा सकदा है तुहानूं वन मार्क्स लई कि कर्मचारियों ने किहड़े रंग दे बाणे पाए हुंदे ने, पीले अते नीले, ठीक है। उत्थे जिहड़े गार्ड्स वगैरह खड़े ने जो दर्शकां नूं पूरी अगवाई पूरा उहनां नूं प्रोपर एक्सप्लेन करदे ने, ठीक है, उहनां ने किद्दां दे कपड़े पाए हुंदे ने, नीले अते पीले रंग दे, बाणे मीनस कपड़े, कुशल कुशल मतलब एक्सपर्ट, जिहड़े अपने काम विच एक्सपर्ट ने उहनां नूं। शरीरिक तौर ते अपाहज दर्शकां लई सीमित तुरन वालियां कुर्सियां भी उपलब्ध हन, ठीक है, जिहड़े हैंडीकैप्ड ने फिजिकली उहनां लई चेयर्स भी ने उत्थे,
बीमार ते बजुर्ग व्यक्ति लिफ्ट का भी सहारा ले सकते हैं। भवन के अंदरले तापमान गर्मी सर्दी च शरीर के अनुकूल रखा जाता है। अंदरला तापमान मतलब कि वो अंदरला टैंपरेचर गर्मी के ठंडा सर्दियों में वह कोजी कोजी जहाँ होता है। ठीक है, बॉडी के अनुकूल, बॉडी के अकॉर्डिंगली। विरासत खालसा विच सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हैं, जिमें जिसके मद्देनज़र दर्शकों लिए कुछ मनाइया के हुक्म जारी किए। हूँ कुछ उत्थे रिस्ट्रिक्शनस भी ने, जो तो दर्शक अंदर जाते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शनस भी लगाइया ने, वो किड़िया ने। किसी भी गैलरी के अंदर तस्वीर खिंचन ते मूवी बनाने की सख्त मनाही है। इस प्रकार दर्शकों किसी भी गैलरी अंदर कैमरे, मोबाइल फोन, हथियार, खाद समगरी, थैले, पालतू जानवर, संगीतक यंत्र, छतरी ते नशा आदि लैके जाने की आग्ञा नहीं दी जाती। इन सारिया चीज़ों पर बैन है, अंदर वह लिजा ही नहीं सकते, बाहर जोड़ा गठड़ी घर है उत्थे ही वह जमा करवा सकते हैं। इस तो बिना भवन दिया कोमल कलावां नूं हाथ नाल छू के वेखन की भी मनाही है। ठीक है, जिहड़ियां दिया कोमल कलावां आ ना, जिहड़ियां भवन निर्माण दियां, ठीक है, उन्हां नूं तुसीं टच भी नहीं कर सकते, राइट, ना तुसीं उहदी फोटो खिंच सकते हो। ठीक है, विरासत खालसा दियां हुण तक तैयार वख-वख गैलरियां राहीं श्री गुरु नानक देव जी, हुण इहदे विच पूरा उन्हां नूं दसना है, श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे तक दे धर्म इतिहास अते समाज की पेशकारी करन दे नाल नाल हुण तक दे पंजाबी सभ्याचार का सजीव चित्रण पेश किया गया है। इसे दूजे पड़ा तहत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर, सिख मिसलां, रियासती राज, स्वतंत्रता संग्राम लई अंदोलन अते सभ्याचारक तब्दीलियां नूं होर नवीं गैलरियां राही दर्शाए जाण दी तरजीह है। ठीक है, मतलब कि इस पैरे दा कि देखो हुण तक जिन्नियां 14 गैलरीज ने हाले तक टोटल, उहदे विच पहले गुरु जी तो लैके दसवें गुरु जी बारे, पंजाबी सभ्याचार बारे, यह सब कुछ तुहानू देखण नू मिलता है। ठीक है, पर हुण सरकार होर ज़्यादा कोशिश कर रही है, वह कोशिश की कर रही है कि इस तो इलावा भी बंदा बहादुर पढ़िया होया है तुसी चैप्टर, ठीक है ना, उहदे विच जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल सन बंदा बहादुर सिंह, उन्हां बारे जानकारी देना चाहती हैं सरकार, ताकि लोगों को बंदा बहादुर बारे भी पता लग सके। सिख मिसलां 12 मिसलां सन बेटा यह, ठीक है, जिन्हां विचों दी शुकर चकिया मिसल सी महाराजा रणजीत सिंह दी, ठीक है, उन्हां बारे जानकारी देना चाहते हैं, हले यह होया नहीं है, हले वह सोच रहे हैं कि यह भी चीज़ा होनिया चाहिदियां ने, ऐड होर नवी गैलरीज बननिया चाहिदियां ने। रियासती राज बारे, स्वतंत्रता संग्राम लई कि साढ़े 1947 विच किस तरह स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपनी आजादी दे लई अपनी कुरबानी दी, उन्हां बारे भी सरकार सोच रही है कि होर गैलरीज राही दर्शकों नूं पता लगाया जा सके, ताकि लोगों नूं अपने भारत बारे, उन्हां दे इतिहास बारे चंगी तरह नाल जानकारी मिल सके। ठीक है, क्लियर है, चैप्टर फिनिश, देख लो अगर किसी नूं कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो 6वीं तो 14वीं गैलरी बारे तुसीं मैनूं दसोगे। ठीक है, कि 6वीं गैलरी विच की है, 7वीं विच, इस तरह बेटा तुहानूं हर एक गैलरी क्लीयर हो जाएगी, हर एक गैलरी क्लीयर होना मीनस तुहाडी रिविजन ते तुहाडे क्वेश्चन आंसर्स भी नाल ही क्लीयर। ओके जैसमीत। यस मैम। मैम 12वीं गैलरी में जो लास्ट लाइन का करण ते निगर और आगे क्या लिखा है मैम, इसका क्या मतलब है? व्यक्तित्व, उन्हें देखो गुरु गोबिंद सिंह जी जो गुरगद्दी ते विराजमान हो गए सन, उन्होंने गुरगद्दी मिल गई सी, ठीक है, उस बारे दस्या होया है। फिर उन्होंने जुलम, उन्होंने जिहड़ियां लड़ाइया लड़िया सी जुलम खिलाफ, उन्होंने निगर व्यक्तित्व मतलब उन्होंने परसनैलिटी किदां दी सी, ठीक है, उहदे बारे चानना पाया होया है। ओके, व्यक्तित्व मीनस परसनैलिटी। ओके मैम। ओके गौरीश। यस मैम, मेरी जो कल ना थोड़ी सी मेरी नेटवर्क कनेक्शन के कारण क्लास मिस हो गई थी, तो आप एकदम फोर्थ गैलरी दोबारा से रिपीट कर दो। चौथी गैलरी दे विच ना बेटा श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु अर्जन देव जी बारे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जिस तरह उन्होंने जीवन बारे, उन्होंने रचना ते कौम बारे ये जानकारी मिलती है। तो ये पांच के महत्व को दर्शाया गया है, क्योंकि सिख इतिहास में पांच का बहुत महत्व है, जिस तरह पांच प्यारे, पांच ककार, पांच तखत साहिब। ठीक है, सो पांच के महत्व में भी बयानिया गया है, इन्हां बारे पहले गुरु तो लैके पंजवें गुरु तक बारे जानकारी है। ओके, और देख लो बेटा। ओके, कौन दसेगा 6वीं गैलरी विच की है?
छेवीं सतवीं अठवीं नौवीं दसवीं टिल 14 अदगुन। यस मैम, छेवीं गैलरी च दाखिल होके श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा गुरमुखी लिपि दे सुधार ते प्रचार बाणी रचना ते सिक्खी प्रचार बारे चित्रां दे हवाले नाल ज्ञान च वाधा हुंदा है। इस गैलरी चो तीसरे गुरु अमरदास जी द्वारा 22 मंजियां दी स्थापना लंगर प्रथा दी रवायत स्त्री दी दशा सुधार लई यतन श्री गुरु गोविंदवाल साहिब जी दे विखे बावली दा निर्माण अंधविश्वास दे जात पात ते विरोध आदि बारे कीमती ज्ञान इकट्ठा कीता जा सकता है। गुड, छेवीं गैलरी विच दूसरे गुरु जी बारे है ते तीसरे गुरु जी बारे है, ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने किस तरह गुरमुखी का प्रचार किया सी, श्री गुरु अमरदास जी ने 22 मंजिल की स्थापना की सी, बौली साहब का निर्माण किया सी, ठीक है। सो ये सारा थानू छेवीं गैलरी विचों दी मिलता है। गुड अदगुन। हरमीत, सतवीं गैलरी। यस मैम, सतवीं गैलरी विच चौथे गुरु रामदास जी नाल संबंधित है, जिस विच इन्होंने अमृत सरोवर कीर्तन परंपरा ते बाणी रचना बारे दसिया है। ठीक है, गुड, ओके। शुभ, नेक्स्ट आठवीं गैलरी। यस मैम, श्री अमृतसर साहिब विखे दरबार साहिब दी उसारी श्री आदि ग्रंथ दा संकलन दरबार साहिब विखे बाबा बुद्धा जी द्वारा श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दा पहला प्रकाश आदि महत्वपूर्ण वेरवे श्री गुरु अर्जन देव जी नाल संबंधित आठवीं गैलरी इमारत अंदर नहीं सगो इस निर्माण बाहर नौवीं गैलरी विच पंजवें गुरु जी ने किस तरह शहादत प्राप्त की सी, तत्ती तवी ते फिर ए वाली गैलरी बारे दस्या होया है, पंजवें गुरु जी बारे, ठीक है। देन है दसवीं गैलरी। कार्तिक, दसवीं गैलरी च की है? यस मैम, दसवीं गैलरी वड्डियां पौड़ियां दे कोल बनाई गई है, जिथे श्री गुरु हरि गोबिंद सिंह द्वारा धारण कीतियां गया तलवारां बारे दस्या गया है, जिन्हां दा नाम मीरी अते पीरी है। इस विच उहनां दीआं तलवारां बारे दसदे हन। ओके, देन ग्यारहवीं गैलरी। ग्यारहवीं गैलरी च की है कार्तिक? यस मैम, मैम ग्यारहवीं गैलरी विच मैम मान सेकंड छेवें गुरु जी बारे, सतवें गुरु जी बारे, अठवें गुरु जी बारे जानकारी मिलती है। नाम भी लिखने हैं तुसी, ठीक है? यस मैम, ओके। ते ग्यारहवीं गैलरी कलीगुमन इमारत विच स्थापित भी है। ठीक है, ओके, गुड। छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, देन गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, इन्हां बारे जानकारी मिलती है ग्यारहवीं गैलरी विच। देन बारहवीं गैलरी। गौरिश, बारहवीं गैलरी। यस मैम, बारहवीं गैलरी विच श्री गुरु तेग बहादुर जी ते अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे बारे सानूं जानकारी मिलदी है। इस गैलरी विच उन्होंने दस्सिया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जीवन दे हुंदे होए सारे जुल्मा वास्ते अपनी कुर्बानी दे दित्ती सीगी। इस गैलरी विच श्री गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे गुरुगद्दी ते विराजमान होन ते जुल्म खिलाफ लड़ाई करन बारे दस्या है। ते 14वीं 13वीं 14वीं गैलरी विच की है?
मैम चौदहवीं गैलरी विच दर्शकों नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बारे दस्या है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह दस्या सी कि चाहे सिखां दे दासी गुरु हन पर सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी अपना गुरु बनना चाहीदा है। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन संघर्ष बारे ते 13वीं गैलरी विच खालसा पंथ की स्थापना बारे दस्या होया। ठीक है, उस तो बाद विच की है जो तो 14 गैलरीज खत्म हो जांदियां ने। मैम मैं हां जी कार्तिक दसो। यस मैम, उस तो बाद जेड़े दर्शकां नूं सुनन लई यंत्र दित्ते जांदे हन, दर्शक उस नूं जमा करा के उत्थों बाहर निकल जांदे हन ते उत्थे जाके एग्जिट हो जाते हैं। उथे एक दान पात्र भी दिता गया है जिस विच दर्शक अपने अनुसार पैसा पा सकते हैं। जेड़े लोग इथो दूर है इथे नहीं आ सकते उन्होंने इंटरनेट के जरिए भी वो पैसा इथे जमा करा सकते हैं। ओके, फिर की है सुरक्षा बारे दसिया होया है, सुरक्षा किदा दी है, केड़िया केड़िया चीजा नहीं अंदर लेके जा सकते। मैम जिवें फोन, पालतू जानवर, कोई हथियार, कोई नशे दी चीज। ठीक है, ओके गुड। ठीक है बेटा, हो गया पूरा चैप्टर, रिवाइज भी हो गया थोड़ा चैप्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करांगे। ठीक है।